एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग वर्टिकल लॉन्च वेरी शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल से रिलेटेड खबर की, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है और डीआरडीओ ने इसका ट्रायल भी किया है। ये आपको पता है कि अस्त्र पर डिपेंडेंट एक ऐसा वेरिएंट होने वाला है अस्त्र का, जो कि सरफेस टू एयर मार कर सकता है शॉर्ट रेंज में, कुछ 25 से 30 किलोमीटर तक की मार क्षमता इसकी है। अब डीआरडीओ ने ये कहा है कि प्राइवेट पार्टनर्स हमारे साथ मिलकर इसको डेवलप करने में हाथ बटा सकते हैं और साथ ही साथ इस जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद उनको इसका प्रोडक्शन राइट भी प्राप्त होगा। डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि इसके बाद कई प्राइवेट कंपनियों का ऑफर उनके पास आया है, जो सही बिडिंग होगी या जो अच्छी बिडिंग डीआरडीओ को लगेगी उन प्राइवेट पार्टनर्स के साथ डीआरडीओ संपर्क करेगी, सहयोग करेगी और उसके बाद उनको प्रोडक्शन राइट देगी। आपको पता है कि इसी प्रकार का जो प्राइवेट के साथ कोलेबोरेशन था वो ATAGS में भी देखने को हमें मिला, जिसमें कि एडवांस टॉप आर्टिलरी गन बनाई गई और बाबा कल्याणी यानी कि भारत फोर्ज के साथ और टाटा के साथ मिलके दो अलग अलग प्रकार की आर्टिलरी गन डेवलप की गई है और इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही दिया जाना है। किस कंपनी को दिया जाना है ये बाद में डिसाइड होगा। तो उसी प्रकार से हम अब मिसाइलों में भी बढ़ रहे हैं, डीआरडीओ अब मिसाइलों में भी बढ़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे चीन को पिनकाने वाली खबर की। दो खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि ला पेरोस जो कि फ्रांस के द्वारा एक नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है, सोमवार को स्टार्ट किया गया। इसमें भारत सहित क्वाड के अन्य देशों ने भी भाग लिया। 3 दिवसीय एक्सरसाइज है, इसको लेकर चीन पिनक रहा है और जब उनके पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि चाइना के विरुद्ध इस प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है, इस पर क्या कहना है, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो कंड्यूसिव होनी चाहिए रीजनल पीस के लिए, यानी कि इस प्रकार की जो एक्सरसाइज, इस प्रकार का जो कोऑपरेशन है वो रीजनल पीस बढ़ाने के लिए होना चाहिए। तो ये सही बात है कि रीजनल पीस बढ़ाने के लिए ही इस प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है। चीन जो इस प्रकार की रीजनल पीस को बर्बाद कर रहा है उसी के विरुद्ध ये एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए चीन को इसके लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि रीजनल पीस के लिए होगी और किसी चीज के लिए नहीं होगी। इसके अलावा भारत और ताइवान ने एक दूसरे के लिए कंडोलेंस व्यक्त किया है। भारत ने पहले ताइवान में हुए एक रेलगाड़ी दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति कंडोलेंस किया था और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक वक्तव्य जारी किया गया था। अब ताइवान के द्वारा हमारे जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, 22 से ज्यादा जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनके लिए कंडोलेंस मैसेज ताइवान के द्वारा दिया गया, पर इससे चीन पिनक गया। चीन क्यों पिनक गया? क्योंकि ये उनकी वन चाइना पॉलिसी को आघात पहुंचाने वाला था, उसका पालन नहीं करने वाला था, क्योंकि चीन ये कहता है कि ताइवान के साथ किसी भी देश के द्वारा कोई भी ऐसा संपर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा डिप्लोमेटिक संपर्क नहीं होना चाहिए और वो ताइवान को अपना भाग ही मानता है। वो ये कहता है कि टू चाइना पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, वन चाइना वन ताइवान पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई भी पॉलिसी जो मार्केट में चल रही है, जो मीडिया में चल रही है, उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और भारत द्वारा जो ताइवान के लिए बोला गया और ताइवान द्वारा जो भारत के लिए बोला गया है वो दोनों ही गलत है, वन चाइना पॉलिसी की अवहेलना करता है। तो मेरा यह कहना है कि चाइना भाड़ में जाओ, हमें जो करना है हम करेंगे, चाहे तुम वन चाइना पॉलिसी करो, टू चाइना पॉलिसी करो, कोई भी पॉलिसी करो, हम तो भैया वन चाइना पॉलिसी, वन तिब्बत, वन ताइवान, वन हांगकांग, ये पॉलिसी का पालन करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो वैसे ही फटेहाल रहता है और पत्रकारों ने जब शाह महमूद कुरैशी से यह पूछ लिया कि चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो कि एक फोन कॉल पे चेंज हो जाए। एक्चुअल में चीन और ईरान के बीच में आपको पता है कि $400 बिलियन का करार हुआ है, 25 साल तक वो एनर्जी सप्लाई करेगा, ईरान एनर्जी सप्लाई करेगा चीन को। तो वहीं पर चीन के विदेश मंत्री ने ये कहा था और ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के लिए कहा गया है कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो कि एक फोन कॉल पर अपना निर्णय चेंज कर लेता हो। जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच में फोन कॉल के माध्यम से ही जो सीज फायर हुआ है 2003 का अग्रीमेंट अब पालन कर किया जा रहा है और बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है, इस पर चीन पिनक गया था और इसलिए उस समय इस प्रकार की चीज कही गई थी। तो वही चीज जब पत्रकारों ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन के विदेश मंत्री के द्वारा ये जो कहा गया वो पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में नहीं कहा गया है, वो किसी अन्य कॉन्टेस्ट में कहा गया। जानकारों को ये पता चल गया कि किस कॉन्टेस्ट में ये चीजें कही गई हैं, पर शाह महमूद कुरैशी इसको मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने ये कहा कि जो ये चीजें कही गई वो अलग बात है, पर भारत और
पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं हो सकता है, दोनों ही देश इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, कोई फोन कॉल और इस चीज की बात नहीं है। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है, भारत आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अफोर्ड कर सकता है, चीन के खिलाफ भी अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनका फॉरेन रिजर्व इस चीज की अनुमति नहीं देता है, यह हमें पता है। तो पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत आसानी से अफोर्ड कर सकता है, और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए तो वो टेररिज्म इतने दिन से भारत में फैला रहा है। वहीं हम लोग अगली खबर की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड थोड़ी बहुत है। भारत और तुर्की के बीच में अब जो रिश्ते हैं वो थोड़े सामान्य होने की दिशा में बदल रहे हैं, और सामान्य होने की दिशा नहीं मतलब एक दूसरे के कोऑपरेशन को लेकर बढ़ रहे हैं। एक व्यापार, जो व्यापार की बात होती है, वो किन्हीं दो देशों को पास ला सकती है, उनके कितने भी मनमुटाव हों, अगर व्यापार अच्छा मिल रहा है तो वो करीब आ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि टर्की कश्मीर पर क्या कहता रहता है, उनके प्रेसिडेंट क्या कहते रहते हैं, पर जब सीआरपीएफ वाली घटना, नक्सली घटना जो हुई, उस पर उन्होंने कंडोलेंस किया है, कंडोलेंस जारी किया है उनके विदेश मंत्री के द्वारा। इसके अलावा उत्तराखंड में जो अभी कुछ दिनों पहले फरवरी में बाढ़ आई थी, उस पर भी उन्होंने कंडोलेंस जारी किया था। इसके अलावा अन्य समयों पर भी वो कंडोलेंस जारी करते रहते हैं, और भारत के जो इंटरनल मैटर हैं उनको काफी अच्छे से वो देखते हैं और उसमें भारत का समर्थन भी करते हैं, पर कश्मीर के मुद्दे पे नहीं करते हैं, वो अलग बात है। तो इस बार जो कंडोलेंस मैसेज आया उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि हमारे विदेश मंत्री जो उनके विदेश मंत्री से मिले हैं हार्ट ऑफ एशिया समिट में, जो कि अफगान पीस टॉक से रिलेटेड ही है, जहां पे टर्की को यूएस ये कह रहा है कि वहां पर भाई पीस टॉक करवाओ, क्योंकि टर्की का तालिबान से अच्छा संबंध है और हम जानते हैं कि वो भी आतंकवादी स्टेट ही है, इसलिए अच्छा तालिबान से संबंध है उनका। यूएस टर्की से कहा है कि पीस टॉक करवाओ, अब भारत भी उसी टेबल पे है। अब हमको इसको ब्रॉड सिनारियों में समझना चाहिए, जब सभी देश एक ही टेबल पे होंगे, अगर उन देशों के बीच में मन मुटाव है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो जाहिर सी बात है कि पीस टॉक नहीं हो सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और टर्की के बीच में, या अन्य देशों के बीच में इस प्रकार के मनमुटाव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ओनली ऑन पेपर, या सामने दिखाने के लिए कि इस प्रकार के मनमुटाव दूर हो गए हैं और ये सब चीजें की जा रही हैं, सब चीजें रफा दफा की जा रही हैं, ताकि अफगानिस्तान में पीस टॉक की जा सके। इसी के तहत भारत और टर्की के बीच में भी रिश्ते सामान्य होने आगे आप देख सकते हैं और ज्यादा व्यापार बढ़ सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। और दूसरी बात, टर्की ये सोच रहा होगा कि जिस पाकिस्तान के लिए हम कश्मीर कश्मीर करते हैं, वो पाकिस्तान खुद भारत के साथ शांति की बात कर रहा है, तो फिर हम क्यों बीच में मुर्गा बने, और हमारा जो व्यापार भारत से चलता है या भारत का जो व्यापार टर्की से चलता है वो बीच में क्यों खराब हो, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। हमने ये देखा है कि टर्की का चीन के साथ भी विवाद होता है वीगर मुस्लिम के लिए, पर टर्की चीन से कर्जा लेता है और अपने जो चीजें हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए कर्जा ले रहा है। तो टर्की ऐसा देश है कि जो अन्य चीजों को भुलाकर दूसरे व्यापार के लिए आगे आता है, और उसके लिए व्यापार थोड़ा ज्यादा मायने रखता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो हम ये देखेंगे कि भारत और टर्की के बीच में आगे जो व्यापार है वो सुधरते रिश्तों को दर्शाएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने वहां चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।